दोस्तों आज है 15 सितंबर 2019 और 15 सितंबर 2019 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सभी को इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपको बता दूं कि पीडीएफ अब आपको रेगुलर बेसिस पर टेलीग्राम चैनल पर ही दिया जाएगा, तो सभी लोग चैनल को ज्वाइन कर देना। तो देखो, कुछ दिनों पहले मैंने एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें मैंने बताया था कि अभी वैज्ञानिक लोग साइंटिस्ट लोगों ने एक रोबोट को तैयार किया है जिसको अभी ट्रेनिंग दी गई थी, जिसको ट्रेनिंग देने का पर्पस ये था कि इसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा जाएगा। क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अगर किसी साइंटिस्ट को, आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना, अगर किसी साइंटिस्ट को ISS स्टेशन के बाहर आकर काम करना पड़े, सपोज़ यहाँ पर थोड़ी सी कमी हो जाती है और यहाँ पर आकर कोई साइंटिस्ट अगर काम करता है तो वो बहुत ही ज़्यादा रिस्क पर काम करता है। इस वजह से एक रोबोट को ट्रेनिंग दी जा रही थी। ये वाला रोबोट आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको बिल्कुल इंसानों के तरीके बनाया गया है, ह्यूमेनॉइड इसको बोलते हैं, और इसको ट्रेनिंग दी गई थी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाकर ये अच्छे से साइंटिस्ट का जो जोखिम भरा काम होता है उसको संभाल लेगा। ठीक है, पिछले हफ्ते तक जब हमने क्वेश्चन किया था तब हमने ये पढ़ा था कि इस रोबोट को, जिसका नाम फेडोर है, इसको सक्सेसफुली ISS यानी कि इस स्टेशन पर पहुंचा दिया जा चुका था। अब देखो इसको लेकर नया अपडेट क्या आया है, वो बनेगा अपना आज का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या बना है वो समझते हैं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन बना है कि किस देश ने अंतरिक्ष में पहली बार भेजे गए ह्यूमेनॉइड रोबोट जिसका नाम है फेडोर की सेवा को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा रसिया, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि रूस जो है, रूस देश ने इस फेडोर नाम के रोबोट को डेवलप किया था, इसको सक्सेसफुली वहाँ पर पहुँचा दिया था। लेकिन जब ये वहाँ पर इसको लेकर गए थे इन्होंने क्या किया था, इस रोबोट को कमांड दिया था कि ये कुछ वहाँ पर काम कर सके, लेकिन जब इसकी वहाँ पर फंक्शनैलिटी को देखा गया तो ऐसा पाया गया कि ये रोबोट जो है ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर काम नहीं कर पा रहा था जिस हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया था। इवन कई बार ये तो स्विच ऑन भी नहीं हो रहा था। साथ ही साथ में इसको बिल्कुल इंसानों के जैसा बनाया गया है, लेकिन ये वहाँ पर ग्रेविटी में डिफरेंस होने की वजह से ये खुद अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तो जिस तरीके से इसको बनाने के पीछे उद्देश्य था कि ये थोड़ी बहुत मदद कर सकता है वैज्ञानिकों की, ऐसा करने में ये पूरी तरीके से नाकाम रहा है, जिस वजह से रसिया ने अभी क्या किया है कि रसिया ने इस प्रोग्राम को फिनिश कर दिया है। यानी कि ये जो फेडोर नाम का रोबोट था जो कि रसिया ने बनाया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए, इसको पूरी तरीके से रसिया ने बंद कर दिया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ में। आज का दूसरा प्रश्न बना है कि भारत के किस स्टेडियम में विराट कोहली पवेलियन स्टैंड बनाया गया है। तो अभी रिसेंट में विराट कोहली के नाम पर एक पवेलियन स्टैंड को नाम दिया गया है और ये दिया गया है अरुण जेटली स्टेडियम को। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसका कि फोटो भी हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। ये आप देख सकते हो वीडियो के थ्रू इसका शुभारंभ किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर कंट्रोल रूम से इसका, इस इवेंट में इसका स्वागत किया गया, उद्घाटन किया गया है। और ये विराट कोहली पवेलियन का फोटो देख सकते हैं जो कि विराट कोहली के नाम पर अरुण जेटली स्टेडियम में इसका अनावरण किया गया है। इसका एक और फोटो हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहते हैं जो कि रियल फोटो वहीं से लिया गया है, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं विराट कोहली पवेलियन। और आपको यहाँ पर एक फोटो में विराट कोहली का भी फोटो दिखा देते हैं, सो दैट क्वेश्चन आप भूल सकते हो लेकिन इमेज के फॉर्मेट से आप लंबे समय तक इसको याद रख पाओगे। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन और छिपा हुआ है जिसको समझेंगे। देखो अभी एक महीने पहले की बात है, जब अभी अरुण जेटली जी का निधन हुआ था, उनके निधन होने के पश्चात उनकी स्मृति में एक स्टेडियम था जिसका नाम चेंज करके अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया था। तो क्वेश्चन ये बनता है कि किस स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम के नाम पर कर दिया गया है। तो आपको बता दूं, दिल्ली का एक स्टेडियम था जिसका नाम है फिरोज शाह कोटला। तो ये जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है इसी का नाम चेंज करके अरुण जेटली स्टेडियम के नेम कर दिया गया था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये बना है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा ऑड इवन स्कीम को 4 से 15 सितंबर 2019 की अवधि में लागू किए जाने की घोषणा कर दी गई है। देखो अभी दिल्ली में क्या है, पॉल्यूशन को लेकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, साथ ही साथ में अभी दीपावली भी आने वाली है, उस समय भी हम लोग जब पटाखे चलाते हैं
तो भी पॉल्यूशन का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो उसी को मद्देनजर सारी चीज़ों को देखते हुए अभी अरविंद केजरीवाल जी ने अनाउंस किया है कि दिल्ली में ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत की कैपिटल दिल्ली में 4 से 15 नवंबर के ड्यूरेशन में ऑड इवन स्कीम को लॉन्च कर दिया जाएगा। आप जानो यहाँ पर इस ऑड इवन स्कीम में होता क्या है। देखो इस ऑड इवन स्कीम में क्या होता है कि इसका सीधा संबंध होता है दिल्ली के ट्रैफिक से, मतलब जो कार आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी नंबर प्लेट का जो आखिरी नंबर होता है वो ऑड है या इवन है, उस बेसिस पर आप कार दिल्ली में चला सकते हैं। जैसे कि किसी भी हफ्ते या महीने का जो दिन की शुरुआत होती है, जैसे 1, 2, 3, 4 इस तरीके से दिन की शुरुआत होती है, तो 1 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो इस दिन आप ऑड गाड़ी, अगर जिन लोगों के पास में ऑड नंबर का नंबर प्लेट होगा वही लोग इस दिन कार को यूज़ कर पाएंगे। इसी तरीके से जिस दिन इवन नंबर का नंबर प्लेट होगा उस दिन इवन वाले इसको इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि रोड पर जो कार की संख्या होती है उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करी जाएगी। एक प्रश्न यहाँ पर यह भी बन सकता है, अगर आपसे पूछा जाए ये जो ऑड इवन फार्मूला है 2019 में लेटेस्ट अभी कब लागू किया जाना है, तो ये डेट भी आप लोग याद रखिएगा, इसको 4 से 15 नवंबर के बीच में इसको लागू किया जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पर आप लोग समझना, 4 तारीख से 15 यानी कि जब ये 4 तारीख को जिस दिन ये एप्लीकेबल होगा उस दिन सिर्फ 4 क्या है, एक इवन नंबर है, यानी कि उस दिन जिनकी नंबर प्लेट जो है उसका आखिरी नंबर इवन होगा उस दिन सिर्फ वही लोग इस गाड़ी को कार को इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 तारीख, 15 क्या है, ये एक ऑड नंबर है, उस दिन सिर्फ वही लोग कार का यूज़ कर पाएंगे जिनका आखिरी जो डिजिट है वो ऑड है। इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस काम करता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने ये भी अनाउंस किया है दिल्ली सरकार में कि वो प्रदूषण से बचने के लिए N95 कैटेगरी का मास्क भी फ्री में बांटेगी। तो यहाँ पर अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि दिल्ली सरकार के द्वारा कौन सी कैटेगरी का मास्क जो है वो दिल्ली में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर आप लोग दोगे N95 मास्क जो है, ये इस कैटेगरी का मास्क जो है ये स्पेशल कुछ क्वालिटीज़ रखता है, इसको दिल्ली सरकार के द्वारा जनता में बांटा जाएगा। अगले क्वेश्चन को शुरू करने से पहले बता दूं पिछले एक साल का करंट अफेयर्स अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लेना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, जाकर वहां से परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ में जिन लोगों ने अगस्त महीने का PDF अभी तक नहीं मिला है जिनको, वो लोग भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देखें, वहाँ पर इसका लिंक दे रखा है, वो भी तैयार हो चुका है। किसी भी एग्ज़ाम में 90% से ज़्यादा क्वेश्चन आपको हमारे PDF से ही मिल जाएंगे। देखो अगले क्वेश्चन में क्या है कि किसने नेत्रहीन और कम दृष्टि वाले लोगों के लिए गुड वाइब्स और वेल्यूमिनो नाम से दो ऐप लॉन्च कर दिए हैं। तो यहाँ पर देखो जिन लोगों को देखने में प्रॉब्लम होती है या फिर वो बिल्कुल ही दृष्टि बाधित हैं ऐसे लोगों के लिए दो एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं सैमसंग कंपनी ने। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, सैमसंग कंपनी ने दृष्टि बाधित यानी कि जिन लोगों को देखने में विजन प्रॉब्लम होता है उनके लिए दो ऐप लॉन्च किए हैं, जिसमें से एक का नाम है वेल्यूमिनो और दूसरे का नाम है गुड वाइब्स। तो यहाँ पर आपको एक फ़ोटो के थ्रू भी समझा देता है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये सैमसंग का मोबाइल, सैमसंग का ब्रांड, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है केयरिंग फॉर द इम्पॉसिबल, गुड वाइब्स नाम का एक ये ऐप ये लॉन्च किया है और दूसरा ऐप और लॉन्च किया है जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। एक दूसरा फोटो भी मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ जिसमें देखो साफ साफ लिखा भी है सैमसंग लॉन्चेस सॉल्यूशंस फॉर डीफ ब्लाइंड विजुअली इम्पेयर्ड, ठीक है। तो ये जिन लोगों को दिखता नहीं, विजन प्रॉब्लम है, उनके लिए सैमसंग ने दो ऐप को लॉन्च किया है। तो एक बार फिर से देख लेना क्वेश्चन को, गुड वाइब्स और वेल्यूमिनियो नाम से ये जो दो ऐप हैं इनको सैमसंग कंपनी ने लॉन्च किया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा वर्ष 2019 से 20 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर देखो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा 2019 से 20 का लता मंगेशकर पुरस्कार जो है ऊषा खन्ना को प्रदान किया गया है, तो ऊषा खन्ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऊषा खन्ना का फोटो भी दिखा देते हैं जिनको ये वाला पुरस्कार जो है प्रदान किया जाएगा। अब यहाँ पर देखो इस पुरस्कार में दिया क्या जाता है, इस पुरस्कार में महाराष्ट्र सरकार जो होगी वो लता मंगेशकर पुरस्कार के दौरान 5 लाख रुपये का तो नगद इनाम देगी, साथ ही साथ में एक प्रशस्ति पत्र, एक ट्रॉफी और एक शॉल उनको समर्पित करेगी। साथ ही साथ में कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि ये जो पुरस्कार है ये किस राज्य के द्वारा दिया जाता है, तो एक कन्फ्यूज़न दूर रखना, इस पुरस्कार को कोई एक राज्य नहीं देता है बल्कि अभी 3 ऐसे राज्य हैं जो लता मंगेशकर पुरस्कार को अपने राज्य के हिसाब से देते हैं।
तो यहाँ पर इनमें से राष्ट्रीय स्तर पर देखो कौन कौन से इस पुरस्कार को देता है। मध्य प्रदेश सरकार भी इस पुरस्कार को देती है, महाराष्ट्र सरकार भी देती है, और आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा भी इसको दिया जाता है। तो अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं ये है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया गया लता मंगेशकर पुरस्कार, जो कि उषा खन्ना को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बनेगा कि किस देश की महिला क्रिकेटर जिनका नाम है मेगन स्कट को दो हैट्रिक लेने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। तो पूरी महिला क्रिकेट में पहली ऐसी खिलाड़ी जिसने व्हाइट बॉल क्रिकेट में दो हैट्रिक लिया है उसका नाम है मेगन स्कट, और ये ऑस्ट्रेलिया देश से बिलोंग करती हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको मेगन स्कट का फोटो भी दिखा देते हैं सो दैट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। यही वो क्रिकेटर है जिन्होंने दो हैट्रिक ली है इंटरनेशनल क्रिकेट में। पहली जो हैट्रिक है उन्होंने भारत के खिलाफ ली थी जो कि एक T20 मैच था, तो T20 मैच में पहली हैट्रिक ली थी, और दूसरी हैट्रिक अभी रिसेंट में वनडे क्रिकेट में लिया है। ठीक है, तो दो हैट्रिक ये ले चुकी हैं। अगर हम लोग बात करें कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वनडे में पहली हैट्रिक लेने वाली खिलाड़ी, तो ऑस्ट्रेलिया में ये पहली हो जाएंगी। ठीक है, और पूरे विश्व में दो हैट्रिक लेने वाली महिला क्रिकेटर में अगर बात करी जाए तो भी ये इनका नाम सबसे पहले आता है। तो एक बार इनका नाम फिर से देख लेना, अगर आपसे नाम कभी कभी क्वेश्चन में घुमाकर पूछ ले कि कौन सी ऐसी प्लेयर है जिसने दो हैट्रिक लिए, तब आंसर टिक करोगे मेगन स्कट, और पूछा जाए वो कौन से देश से बिलोंग करती हैं, कौन से देश से तो खेलती हैं, तो ऑस्ट्रेलिया उसका राइट आंसर हो जाएगा। चूंकि दोस्तों बात यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की हुई है, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल जो है वो है कैनबरा, और वहाँ का जो मैप है वर्ल्ड के मैप में अगर हम उसे देखना चाहें तो ये रहा अपना भारत, और भारत से नीचे की तरफ आपको ये जो आइलैंड दिख रहा है ये है ऑस्ट्रेलिया आइलैंड, ये है ऑस्ट्रेलिया देश। अगला प्रश्न बनेगा भारत और थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2019 कहां पर आयोजित करेगी। तो ये जो एक्सरसाइज है भारत और थाईलैंड के बीच में, इसको भारत के राज्य मेघालय में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक चीज़ मुझे बता देना, मेघालय के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के क्या नाम है बिना गूगल किए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता देना। साथ ही साथ में ये जो एक्सरसाइज है, अगर आपसे सिर्फ इतना पूछा जाए कि मैत्री एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में ऑर्गेनाइज हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और थाईलैंड के बीच में इसको आयोजित किया गया है। इसकी फोटो भी आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, ये रहे भारत के सोल्जर्स और ये रहे थाईलैंड के। ये पिछले साल का फोटो है क्योंकि इस बार का जो इवेंट है वो 16 तारीख से ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो एक बार फिर से देखेंगे, मेघालय में मैत्री नाम का एक्सरसाइज जो कि भारत और थाईलैंड के बीच में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले बता दूं दोस्तों, जिस तरीके से आप वीडियोस बनाने में मेहनत लगती है, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में किसान मानधन योजना की शुरुआत करी है। तो एक ये योजना है किसान मानधन योजना, इसको अभी रिसेंट में मोदी जी ने झारखंड से शुरुआत करी है। रिसेंट में आपको भी पता होगा अभी मोदी जी झारखंड की यात्रा पर गए हुए थे जहां पर उन्होंने इस योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना से फ़ायदा क्या मिलेगा, कह सकते हो ये जो योजना है किसानों के लिए एक पेंशन योजना है जिसमें उनको मिनिमम 3,000 रुपये मंथली पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इसका पूरा प्रोसेस कुछ इस तरीके से है कि 18 से 40 वर्ष आयु के जो भी किसान हैं वो इस योजना के लिए एलिजिबल हैं, और जो भी इस योजना के लिए एलिजिबल हैं उन लोगों से मासिक एक किस्त लगेगी, उनकी उम्र के हिसाब से 555 रुपये या 200 रुपये पर मंथ उनको जमा करने पड़ेंगे। और जब वही किसान 60 वर्ष से ज़्यादा का हो जाएगा तब उसको 3,000 रुपये मिनिमम जो है वो उसको पेंशन के रूप में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस है जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, जिसका की फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसको अभी रिसेंट में कहाँ से लॉन्च किया गया है, झारखंड से इसको लॉन्च किया गया है। एक प्रश्न अच्छा यहाँ पर और भी बन सकता है, अगर आपसे पूछा जाए कि अभी रिसेंट में मोदी जी ने किस राज्य के विधानसभा में एक नए भवन को शुभारम्भ किया है, वो भी आंसर हो जाएगा झारखंड, चूंकि वहाँ पर विजिट पर गए थे तो झारखंड में ही विधानसभा का एक नया भवन बना हुआ था, उसका भी स्वागत जो है मोदी जी के द्वारा उसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न बनाया कि 4 वर्ष पुराने टैक्स विवाद के निपटारे के लिए कौन सी कंपनी फ्रांस में 7600 रुपये का टैक्स उस पर एक वसूली लगाई जाएगी। तो यहाँ पर देखो, फ्रांस में टैक्स चोरी के मामले में गूगल कंपनी पर, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, गूगल पर 7600 करोड़ रुपए का फाइन लगाया गया है।
ये मामला किस तरीके से है, यहाँ पर आप गूगल का फोटो देख सकते हैं। गूगल ने जब फ्रांस में कारोबार की शुरुआत करी थी तो उसने अपने कारोबार की पूरी जानकारी फ्रांस सरकार को नहीं दी थी, जिसके चलते अभी उस पर 7600 करोड़ रुपए का टैक्स लगाए जाने की घोषणा करी है फ्रांस के सरकार के द्वारा। साथ ही साथ में फ्रांस की कैपिटल को आपको पता होनी चाहिए पेरिस है उस समय। इस समय वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है इमैनुअल मैक्रोन, और वर्ल्ड के मैप में अगर इसकी लोकेशन कोई आपसे पूछे तो बिल्कुल भी शर्माना नहीं, तुरंत बता देना कि यूरोपियन देशों में एक देश है जिसका नाम है फ्रांस, और इस तरीके से इसकी लोकेशन भी उसको बता देना। आगे चलते हैं, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, हिंदी दिवस जो है ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है, आप इसका फोटो भी देख सकते हैं, हिंदी दिवस जो कि 14 सितंबर को मनाया जाता है। साथ ही साथ में दोस्तों आप लोगों को बता दूं, जो लोग डेली बेसिस पर कमेंट करते हैं कि पीडीएफ सर हमको नहीं मिल रहा है, उनको बता दें अब ये जो पीडीएफ है अब आपको टेलीग्राम चैनल पर ही दिया जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके अलावा हिंदी दिवस मनाया क्यों जाता है? लोगों में हिंदी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है, और सबसे पहले 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में चुना था, और 14 सितंबर 1953 में सबसे पहली बार हिंदी दिवस को मनाया गया था। ये प्रश्न भी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं दोस्तों, ये तो थे आज के क्वेश्चन। अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिसके आंसर आपको देना है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रिंसिपल एडवाइज़र कौन बनाए गए हैं? इसी तरीके से मोदी जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रधान सचिव कौन बनाए गए हैं? अभी रिसेंट में नवदीप सिंह सूरी को ऑर्डर ऑफ जायद से किस देश ने सम्मानित किया है? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 के द्वारा टॉप 300 में से किस यूनिवर्सिटी को पहले स्थान पर रखा गया है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में वीडियो आंसर देंगे, साथ ही साथ में वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें।